मुझे अपने एडिटर से बात करना पड़ेगा भाई। वेलकम बैक गाइस। तो आज मेरे को क्या करना है, आज मैं देखो मैं बेसिकली आज क्या करने वाला हूँ कि मैं मतलब थोड़ी बहुत डायमंड की खोज करने वाला हूँ, ठीक है। और उससे भी पहले मैं आज ट्राई करने वाला ये हूँ कि मैं मतलब विलेजर्स को ब्रीड कराऊँ। ब्रीड मतलब मैं विलेजर्स को अपने यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है, और ला करके उनको अपने यहाँ पे एक मतलब छोटा सा टेम्प्रेरी सा घर बना दूंगा, वहाँ पे वो लोग रहेंगे, ब्रीड वगैरह करेंगे, ताकि मैं आगे चल के फ्यूचर में वो कर सकूँ, क्या कहते हैं उसे, ट्रेडिंग कर सकूँ, ठीक है। बट उससे पहले ये जो सुहानी रात है इसको हम कटा लेते हैं, क्योंकि देखो सुहानी रात जो है ना माइनक्राफ्ट में किसी काम की नहीं है, ठीक है, वो हमारी जान ले लेती है बहुत ज़्यादा। एक घोड़ा और जो मेरा एक पेट था लामा पिलुआ जिसका नाम था, ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे कैद कर दिया है, और मैंने अपने घोड़े के पीठ में मैंने सैडल लगा दिया है। और वो सैडल कहाँ से आया मेरे से मत पूछना, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि भाई मैं इतने दिनों बाद बाद माइनक्राफ्ट खेलता हूँ, मैं खुद भूल जाता हूँ मेरे पास क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और ये जो तुम्हें मेरे पास बहुत सारे हॉगलिन या पिगलिन क्या बोलते हैं ऐसे, आई डोंट नो, तो इस ये मेरे पास तीन थे, ठीक है, बट क्या हुआ कि यहाँ पे आके क्रीपर फट गया, ठीक है, तो मेरे यहाँ पे जितने भी जानवर रह रहे थे सारे भाग गए, यहाँ के भी सारे जानवर भाग गए, और ये बेचारा अकेला बचा हुआ है। मैं चाहता तो इसे भी छोड़ सकता था, बट मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, एक यादगार तरीका का रहेगा, जैसे मैं अपने वर्ल्ड को एंड करूँगा, मतलब हम इस गेम को फिनिश करेंगे वैसे मैं इसको आज़ाद करूँगा, तब तक ये मेरी कैद में ही रहेगा, ठीक है। ये जो मैंने फार्म बनाया ना, बनाने के बाद मेरे को क्या पता चला, पता है कि ये फार्म उतना ज़्यादा मेरे काम का है नहीं, क्योंकि ये मतलब घंटों लगाएगा भाई, वो एक्सपी लाने में घंटों लग जाएंगे भाई। मेरे आसपास में दो तीन गांव हैं, ठीक है, वहाँ से मैं दो विलेजर्स को लाऊंगा और यहाँ पे आके मैं उन्हें ब्रीड करवाऊंगा, ताकि मैं एक पूरी फैमिली सी बना सकूँ, ठीक है, बहुत बड़ी सी, और मैं ट्रेडिंग कर सकूँ। फ़ायदा मेरा ही है, मैं ही अपने ही फायदे के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे उनको कैद करने के लिए या फिर कहो रहने के लिए एक जगह बनानी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैंने चार बेड बना लिए हैं, रुको मैं दिखाता हूँ, ये रहे मेरे चार बेड, ठीक है, तो मैं इनको ले लेता हूँ। इस जगह में ना मैं एक छोटा सा घर टाइप बना दूंगा, ताकि विलेजर्स यहाँ पे कुछ दिन के लिए रह सके, ठीक है। हाँ, तो ये जो एक छोटा सा घर टाइप है बन चुका है, और घर की छत में बिल्कुल नहीं बनाने वाला, क्योंकि ये एक टाइम वेस्ट होगा मेरे लिए, ठीक है। बस मेरे को टेम्प्ररीली विलेजर्स को यहाँ पे रखना है, बाद में मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा अंडरग्राउंड जुगाड़ रख दूंगा, मैं उन्हें अंडरग्राउंड कैद करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं विलेजर्स को लाने, और हाँ मैं बेड प्लेस करना तो भूल ही गया, नहीं तो इधर उधर मरते फिरेंगे। रुको बेड प्लेस कर लेने दो मेरे को पहले। और भाई तुम्हें याद होगा ना पिछले एपिसोड में क्या ही तहलका मचा था मेरे वर्ल्ड में, अगर तुम देखना चाहते हो तो मेरी पिछली वीडियो माइनक्राफ्ट की देख सकते हो, तुम्हें डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा। ओए इधर अबे, ओए अबे वो गधे, इधर बैठ इसमें बैठ, थैंक यू, बहुत बढ़िया। एक और विलेजर अगर इसी में आ जाए ना तो मेरे लिए आसानी होगा काम। वो रहा एक फार्मर दिख रहा है मेरे को, आजा चल आजा इधर आ, अंकल आ जाओ बैठो इसमें। भाई अंकल हाँ मत करो, बैठो चल बैठ चल आजा बैठ, बहुत बढ़िया नाइस, आओ वेरी नाइस, आराम से बिल्कुल, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आजा 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 आजा, नो टेंशन ब्रो, ओनली वर्क, वेरी नाइस। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, आजा अंदर घुस। हाँ तो तुम लोग अभी यहीं पे रहो, ठीक है, मेरा लीड दो मेरे को, चुराया हुआ लीड, और मैं भी इस जगह को फिलहाल ऐसे बंद कर देता हूँ, ताकि ये लोग भाग ना पाए यहाँ से, ठीक है, क्योंकि है तो ऐसे भी बंदी ही ना। ये रहा तुम्हारा बेड, और यहाँ पे तुम्हें मुझे वो देना है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग देना है, ठीक है, दोगे? कोई मूड में नहीं है भाई, ऐसे हाँ हाँ करते रहते, जब मैं पूछ रहा हूँ तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा, देखो अभी हाँ कर रहा है बेवकूफ साला, उतर जा भाई। ओए सॉरी, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब तुम्हारा घर ये है, ठीक है। और हाँ मेरे को टॉर्चेस की अभी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि पता है मैं अभी डायमंड माइनिंग करने जाने वाला हूँ, डायमंड का डी तक नहीं मिला मेरे को अभी, और उससे भी बड़ी बात मेरे को आयरन तक नहीं मिल रहा भाई सही से, और मेरा इतना सारा आयरन भाई डी स्पॉन हो गया पिछली बार, जाके देखो यार पिछला एपिसोड क्या कर रहे हो तुम लोग भी। तो मैं बना लेता हूँ काफी सारे टॉर्चेस। अबे तू कहाँ से है बे, ओ बेरोजगार, ओ मेरे कल्ट में शामिल होगा तू है, होगा, बहुत बढ़िया, चल आजा 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 इसमें बैठ, अब तू उन लोगों से मिल सकता है। भाई तुम तीन हो, अंदर तीसम तो नहीं करोगे ना भाई, अबे पहले ही ब्रीडिंग है,
मैंने कुछ खिलाया भी नहीं है। ओ भाई प्यार हो गया इन लोगों को पहले ही। वेरी नाइस। वेयर इज योर किड? वेयर इज योर किड? ये बेचारा लोनली सा हो गया। क्यों किसी को आ गया भाई। ओए क्यूट बच्चे। देख भाई बड़े होना है, मेरा फायदा करवाना है, ठीक है? इससे ज्यादा और कुछ काम नहीं है तुम्हारा, ठीक है? टेंशन मत ले भाई, उसका जो बेटा है ना वो बड़ा होके तेरा ही पार्टनर बनेगा। तू टेंशन मत ले, इसको भी पता है ये बात। यार मेरे विलेज के आसपास ये क्यों घूम रहे हैं भाई? तो देखो मैं तुम्हें डायमंड की खुदाई से रिलेटेड अपने बारे में कुछ एक वो बताता हूँ कुछ बात। देखो ये जो मेरा माइनिंग रूम है ना भाई, मैंने यहाँ पे -12 लेवल तक खुदाई करी हुई है, ठीक है? और मैं उस -12 लेवल में खोजने मतलब डायमंड ढूंढ रहा था, ठीक है? लेकिन मेरे को रिसर्च करने से मेरे को डायमंड मिला ही नहीं भाई, पहली बात तो। और बाद में मैंने जब रिसर्च किया तो मेरे को क्या पता चला, पता है कि मैं बाबा आदम के ज़माने में जी रहा हूँ भाई। -59 में या फिर मतलब -58-59 इस टाइप के लेवल में वो डायमंड्स वगैरह आजकल मिल रहे हैं। तो भाई मेरे को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था भाई, तो मेरा तो पोपट बन गया। मेरा प्लान क्या था पता है इस वीडियो का? एक्चुअली मैं स्ट्रिप माइनिंग ही करने वाला था, बट स्ट्रिप माइनिंग में मेरा बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा पहली बात तो, और वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। तो मेरे को अगर थोड़ा बहुत थ्रिल बनाना है वीडियो को, तो मेरे को थोड़ा बहुत तैयारी वगैरह करके आसपास के किसी बड़े से गड्ढे में कूद के वहीं पे मेरे को डायमंड वगैरह की खुदाई करनी पड़े मतलब खुदाई करना चाहिए, ठीक है? मैं एक वो बना लेता हूँ, सबसे पहले एक शील्ड बना लेता हूँ, ठीक है? आयरन है मेरे पास थोड़ा बहुत, ये हो गया। तो अब मेरे को हेलमेट बनाना है, एक चेस्ट प्लेट बनाना है, इसके अलावा मैं कुछ बना नहीं सकता, मेरी और औकात बची नहीं है, ठीक है? तो जो भी हो पहन लेते हैं। क्या है इसमें? ओ भाई प्रोटेक्शन 2, सबसे पहले यही वाला लेके जाता हूँ मैं, ठीक है? पता नहीं मेरे पास कहाँ से, मैं सीरियसली भाई मेरे को पता ही नहीं रह रहा है मेरे आधे से ज़्यादा चीज़ कहाँ से आ रही है मेरे पास और कहाँ जा रही है, क्योंकि मैं इतने दिनों बाद माइनक्राफ्ट खेलता हूँ। ये पहनो यार, एक बूट और लेगिंग्स वगैरह नहीं बना पाया मैं। पिकैक्स बना लेता हूँ भाई, एक्स्ट्रा काम आएगा बहुत ज़्यादा। और ये एक दो शॉवल बना लेते हैं। शॉवल के बाद हो गया मेरे को क्या बनाना है, तलवार। भाई तलवार तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, एक्स भी ले लेते हैं। मेरे घर के पास में एक वो थी, ठीक है, क्या कहते हैं, केव, जैसे कि ये रही। ये केव है क्या? ना नहीं केव नहीं, एक फालतू सा गड्ढा है। तो ये रहा वो केव जहाँ पे मेरे को कोल यहीं से दिख रहा है, बट मेरे को जाने में डर लग रहा है, ठीक है? और स्ट्रिप माइनिंग में चाहता तो कर सकता था, बट ये वीडियो थोड़ी बोरिंग हो जाएगी, इसीलिए मैंने डर गया भाई। ओए वहाँ पे एक ओपनिंग टैप है, वहीं से जाते हैं। यहाँ से जाने का रास्ता है क्या भाई? क्रीपर 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 क्रीपर। अबे यार इतना दूर आ गया फिर भी मेरे को डैमेज मिल गया यार, शेट। ओ भाई बहुत सारा डायमंड मतलब ये कोल है भाई। बस भाई कोल के लिए ज्यादा लालच नहीं करना है। चलो एक ओपनिंग मिली मेरे को, बट ओपनिंग तो मिली, देखो कितना कोल है मेरे पास, 59 को। साले यहीं पे ज़ॉम्बीज मिल गए भाई। पूरा अंधेरा भाई, पूरा अंधेरा। कौन खुचुड़ खुचुड़ कर रहा है भाई कान में? और अंदर कहाँ से जाते हैं भाई? अबे बस ये इतनी छोटी जगह थी है, तो ये जगह तो बस किसी काम की नहीं भाई। अबे मैं यहाँ पर टॉर्च लगाना भूल। अबे यार मेरे सारे अबे यार तू खा मत। पहले अबे यार अपनी अबे यार मेरे वो ज़ॉम्बीज वो जानवर बन जाएंगे, मतलब ज़ॉम्बी बन जाएंगे मेरे जानवर, मेरे विलेजर्स ज़ॉम्बी बन जाएंगे भाई। मेरे को उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। यार एक बन गया यार, आई गेस एक बन गया, मेरे को बचाना पड़ेगा इन लोगों को सबसे पहले। अबे यार सारे ज़ॉम्बीज बन गए यार, शेट यार। देखो यार मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई, शेट।